Hello, hi, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. If you don't subscribe my channel, please subscribe and press the bell icon. And today my topic is how to make soft food for all kind of birds. Today I'm telling you about in English and Urdu makes, because both of the language people watch my video. You see, first I'm crush the bread 2 pieces and 1 white and one egg, completely like white and yellow both. And then I'm put it on the syrup. I'm showing you the multivitamin, 1 spoon, and I'm sure to the spoon size, that spoon. One, and that is here. Yep. The white thing is I'm blend on the eggshell, crushed eggshell. This is a main source of calcium. So जी ये मैंने 2 bread के pieces crush किए हैं. उनके बाद मैंने ये white डालें syrup. मल्टी विटामिन सीरप है फॉर बर्ड्स. इस पर मैंने आगे मल्टी विटामिन पर डाल दिया वीडियो कि इसके क्या फ़ायदे हैं सीरप के, वो आप देख सकते हैं. उसका मैं लिंक भी कर दूँगा, डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में. और ये मैंने जी अंडे का छिलका लेके, जब आप अंडा उबालते हैं उसके जो छिलके बच जाते हैं, वो छिलका लेके मैंने इसको ब्लेंड किया. ब्लेंड करने के बाद मैंने एक चमचा मैंने ये इसके ऊपर डाल दिया और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया. अब देखें आप इसमें सॉफ्ट फूड के साथ साथ मल्टी विटामिन भी बर्ड्स को मिलेंगे. मल्टी विटामिन मिलने के बाद उसमें कैल्शियम भी चला जाएगा उनमें, और जो वाइडलिन है इसका जो बेसिकली इफेक्ट है वो अफेक्ट करता है बच्चों को. बच्चों की जो नशोनुमा है ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है. और सॉफ्ट फूड हम डाल इसलिए रहे होते हैं कि जो जब ब्रीड आती है उसके बाद आप क्या करें, अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दें ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से पालें. इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है. अगर ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा तो ये जो वाइडलिन सीरप है ये एक ही यानी कि होल पीस बन गया, तो उससे क्या नुकसान होगा, जब वो परिंदा खा लेगा तो उसको फौरन मोशन लग जाएंगे, क्योंकि मल्टीविटामिन होता है तो इसकी जो है ताकत वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम अंदर इसमें ऐड करते हैं ताकि थोड़ा जो है मल्टीविटामिन बर्ड में जाए ताकि वो उसको खा के हज़म कर सके, ना कि उसका नुकसान का बाइस बने. ये देखें जी, ये कुछ इस तरह इसकी शेप हो जाएगी. और ये बज्जी का पेड़ है तो बज्जी के पेड़ को इतना आपने देना, इतना सा. ठीक हो गया. ओके, फॉर बज्जी फिर वी गिव दैट क्वांटिटी, 1 स्पून क्वांटिटी. इफ़ यू हैव पेयर विद चिक्स then you use almost that quantity. Yeah, इतना साइज आप दें अगर निकाले हुए हैं बच्चे बज्जी ने या किसी भी बड़े पेड़ ने, फॉर एनी बर्ड्स वो यूज दैट क्वान्टिटी फॉर बर्ड्स. एंड दिस इज अ वेरी गुड सॉफ्ट फूड. सम पीपल जस्ट गिव द ब्रेड एंड एग, दे सेइंग ओह दैट्स अ गुड, दैट्स अ गुड सॉफ्ट फूड. इट्स ओके, इट्स अ सॉफ्ट फूड, यस. बट वेन यू add the multivitamin and when you add the calcium, this is very good. This is a complete food for birds with calcium, with multivitamin, and then the soft food also, the bread and egg. Because the basic reason of the bread and the egg, when the pair is on breeding and they have chicks, they not feed properly well if you give just the
seed. If you use the soft food, they easily eat it and they easily feed it. ये easily उसको खाएगा, easily खिलाएगा, आपके पास फिर पैर के नीचे 4 or 5 chicks हैं, that's no problem for pair, they easily grow well. And please subscribe my channel, share my video for the benefit for others. And if you wanna something new more, then tell me comment.